Hello and welcome to this video where we are starting haloalkanes and haloarenes. Hydrocarbon ka hi agar aap ek ya ek se zyada hydrogen replace kar dein by halogen to bante hain haloalkane ya haloarene. Agar aapne hydrocarbon alkane liya tha to haloalkane ban jayega aur aapne agar benzene se shuru kiya to haloarene ban jayega. Shuruaat hum log haloalkane se kar rahe hain, towards the end hum log haloarene cover karenge jisko aryl halide bhi bolte hain aur abhi hum log alkyl halide ki baat kar rahe hain jo haloalkane hai. इसी में शुरुआत में आपको बताऊं कि कैसे हमने एल्काइल हैलाइड को या हेलो एल्केन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस. आपने शुरुआत जिस एल्केन से किया उसके कितने हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया हेलोजन से उसके हिसाब से अगर क्लासिफाई करें तो अलग अलग नाम आएगा. जैसे मोनो हेलो एल्केन, मतलब एक हेलोजन आपने लगाया है एक हाइड्रोजन को हटा के. डाई हेलो एल्केन, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं बाई हेलोजन. ट्राई हेलो एल्केन और ऐसी टेट्रा हेलो एल्केन होगा. एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ. जैसे मेरे पास मीथेन था मान लेते हैं और मैंने उसका एक एच हटाया और हेलोजन लगा दिया तो ये मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा. ऐसे ही अगर मैंने दो हेलोजन लगा दिया, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, दिस इज डाई हेलो एल्केन. लाइकवाइज दिस इज ट्राई हेलो एल्केन. अगर मैं तीन तीन हेलोजन लगा देता हूँ, ट्राई हेलो एल्केन, और अगर चारों हाइड्रोजन को हटा लेता हूं मीथेन का तो ये बनेगा टेट्रा हेलो एल्केन. ठीक है, इसी में अगर आइडेंटिकल हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे हो तो उनको विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं. अगर आपको बताऊं मैं, देखें CH2X अगेन CH2X, आइडेंटिकल हेलोजन होना चाहिए एडजेसेंट कार्बन पे तो इनको विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं. और अगर एक ही एटम पे आइडेंटिकल हेलोजन लगे होंगे तो इनको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं. ठीक है, इसी में जो मोनो हेलो एल्केन होंगे, जो मोनो हेलो एल्केन होंगे जिनको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं. ये फर्दर हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, डिपेंडिंग अपॉन हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा. हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन कितने डिग्री का है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की डिग्री को क्लासीफाई करते हैं. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे ये लिखा मैंने CH3CH2Cl, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को RX से लिख रहे हैं. और अगर मैंने इस तरीके से लिखा, ये X लिख दे रहा हूं इस बार में, तो दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये खुद 2 कार्बन से जुड़ा है. और ऐसे ही आप देखिए यहां भी मिथाइल मिथाइल लगा देता हूं हर जगह में, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 3 कार्बन से जुड़ा है. और 4 डिग्री तो इसमें बन नहीं सकता, आपको समझ में आ ही रहा है कार्बन टेट्रावेलेंट है. अगर एक जगह हेलोजन जुड़े ही रहेगा तो फिर बाकी 3 जगह जुड़ेगा बाकी कार्बन से, तो 3 डिग्री तक ही होगा एटमोस्ट. अब इसमें भी फर्दर हम लोग देखें नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन. हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उनमें कैसा बॉन्ड है उसके हिसाब से अगर क्लासिफाई करूं तो इसमें एक आएगा मेरे पास एलाइल हैलाइड. एलाइल हैलाइड में क्या होगा, जो हेलोजन है वो डायरेक्टली जुड़ा होगा sp3 कार्बन से, पर वो sp3 कार्बन जुड़ा होगा sp2 कार्बन से. समझिएगा अच्छे से, पहला अपने पास इसी में एलाइल हैलाइड. एलाइल हैलाइड में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल से बताऊं मैं आपको, ये इस तरीके से, ये तो जुड़ा है sp3 से, हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा है sp3 से, पर ये जुड़ा है किससे, sp2 से, तो इनको एलाइल बोलते हैं. इसी में अगर एरोमेटिक रिंग होता ना, मतलब बेंजीन रिंग होता अगर, देखिए और ये CH2 और X लिख देता हूँ. चलिए अभी भी ये जिससे जुड़ा है ये sp3, पर ये जुड़ा sp2 से, तो इसको बेंजाइल बोलेंगे. अब जैसे ये एलाइल था इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारा जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, अगर डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है और ओपन चेन है तो उसको हम लोग विनाइल हैलाइड बोलेंगे उसी को. समझिएगा अच्छे से, इसी में विनाइल हैलाइड अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा होगा. देखिएगा ये हेलोजन जिससे जुड़ा है वो sp2 कार्बन, हेलोजन डायरेक्टली जिससे जुड़ा sp2 कार्बन है तो इसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं. इसी में अगर बेंजीन रिंग लग जाए, इसी में अगर बेंजीन रिंग लग जाए तो इसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलेंगे. अब इसी को बोलेंगे एराइल हैलाइड, जो हेलो अरीन भी है, जो हम लोग आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग देखेंगे भी इसको. तो इस तरीके से कभी कभी नाम दिखेगा आपको, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड,
तो कब किसका क्या मतलब है ये समझिएगा, ये जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आगे मैं बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर में, इसके पहले कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चले जाएँ, केमिकल प्रॉपर्टी में चले जाएँ, चैप्टर में आपको मालूम है फेमस रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है, SNNGP होता है, SNAR होता है, पर डिटेल में हम लोग SN1 SN2 को कंपेयर करेंगे। एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन भी इस चैप्टर में है, एलिमिनेशन में भी E1 होता है, E2 होता है, EI होता है, E1CB होता है, पर इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग E1 E2 को कंपेयर करेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स पे जाएंगे, धीरे धीरे चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा। वो जी प्लीज रब करिए, थैंक यू पोजी। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए होगा क्या, इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये मेरे पास कोई सब्सट्रेट है जिसको मैंने RL से लिखा, L यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, इसको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और RNU बन जाएगा और अलग से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, दिस इज लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ये कोई ना कोई सॉल्वेंट की जरूरत हमको यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हुआ है ये दो स्टेप में भी हो सकता है, आपने देखा ना एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, ये लिविंग ग्रुप जो था ये भी यहाँ का न्यूक्लियोफाइल था, ये हटा उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, और उसमें भी ये दो तरीके से रिएक्शन हो सकता है, SN1 एंड SN2। क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर और 2 का मतलब है बाई मोलिकुलर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात हो रही है, उसकी मोलिकुलरिटी की बात हो रही है। बाकी कंपेयर करूँ अगर SN1 SN2 को, तो देखिए जो काइनेटिक्स की बात करूँ, SN1 ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, 1 बोली इसे यूनिमोलिकुलर, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, जबकि SN2 में ऑर्डर होता है सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर का है। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसे आएगा कि कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे उसके कंसेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, कौन SN1। इसमें दो स्टेप में होगा, SN1 में रिएक्शन जो है वो जिसमें SN1 बोल रहे हैं होगा वो दो स्टेप में, कैसे, फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इनका बॉन्ड टूटेगा और R+ कार्बोकैटायन बनेगा विच में अंडरगो रीअरेंजमेंट, और बाद में सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेप ही उसका RDS होता है। जबकि SN2 लिखा 2 है होगा एक ही स्टेप में, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से ऑपोजिट साइड से जहां लिविंग ग्रुप लगा है उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, ये एक स्टेप में ही होता है, ये कौन SN2। तो इसमें जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा वो R=K कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करता है रेट, तो इसीलिए ये बायोमोलिकुलर है और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आगे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्योंकि दो स्टेप में जो हो रहा था SN1, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना था इंटरमीडिएट, उसमें जो प्लेनर है ट्राइगोनल प्लेनर उसमें अटैक ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है, मतलब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें रेसिमाइजेशन होगा, इसमें क्या होगा रेसिमाइजेशन। एक्चुअली बताऊं तो जो वो हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनता है रिटेंशन प्रोडक्ट से, और इसीलिए पार्शियल रेसिमाइजेशन बोलना ज़्यादा सही है, पर ऑप्शन में एग्जाम में अगर रेसिमाइजेशन लिखा तो भी चल जाएगा। देन इधर बात करें SN2 में, यहाँ उल्टे साइड से अटैक हो रहा है तो ये R को S या S को R बना देता है, तो यहाँ वॉल्डन इन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वर्जन। अगर काइरल सेंटर है तभी ये सब बात होगी, काइरल सेंटर ही नहीं तो कोई मतलब नहीं इनके बातों इन बातों का। देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो हम लोग लेंगे रिएक्टिविटी की अगर बात करूं, तो SN1 में क्या हो रहा था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना रेट, तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। सबस्ट्रेट कौन समझ रहे ना, जिस पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो ये 3 डिग्री जो हमारा एल्काइल हैलाइड रहेगा उसका रेट सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और फिर CH3X आ जाएगा। और जबकि SN2 में बात करें, SN2 में पीछे से अटैक हो रहा था तो भीड़ भाड़ यहाँ जितनी कम होगी ना एल्काइल हैलाइड में उतना अच्छा है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे हम लोग गवर्निंग फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस से देखते हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस है, और यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, जो इमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। जो 1 डिग्री है या छोटू 1 डिग्री बोल लीजिए इसको, ठीक है, CH3X को, ये तो पक्का बोल चिल्लाते रहता है क्या SN1 SN1, और जो ये छोटू 1 डिग्री है, या 1 डिग्री है वो चिल्लाता है SN2 SN2, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए ना। तो 1 डिग्री या CH3X में ये प्रिफर करते हैं SN2 को ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जबकि 3 डिग्री जो है वो प्रिफर करेगा SN1 को ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, ये ध्यान रखिएगा ना।
नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियोफाइल की, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उससे तो रेट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं रेट इंडिपेंडेंट, क्योंकि आ भी नहीं रहा एक्सप्रेशन में, रेट ला एक्सप्रेशन में इंडिपेंडेंट, जबकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, नीड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, आ भी रहा है देखिए एक्सप्रेशन में। देन सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है रिएक्शन को, जबकि यहाँ भी पोलर चाहिए पर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक रहेगा उतना अच्छा है। एग्जाम्पल आपको पता ही है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के, डीएमए, डीएमएफ, डीएमएसओ, ठीक है। और लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो दोनों ही केस में चाहे एस एन वन हो चाहे एस एन टू हो, लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी छोड़ के जाने की, मतलब सबस्ट्रेट को छोड़ के जाने की अच्छी होनी चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप चाहिए दोनों ही केस में हमको, नीड्स गुड लीविंग ग्रुप, एल जी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी गुड लीविंग ग्रुप, दोनों जगह लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। बाकी बात करें रीअरेंजमेंट की, तो चूंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और एस एन टू में कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, ट्रांजिशन स्टेट है, तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है। एक दो बात और बताऊं आपको, जैसे विनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड है, ठीक है, ऐसे लोग एस एन वन एस एन टू दोनों ही नहीं देंगे। वैसे ही अगर एक बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो वो भी एस एन वन एस एन टू देगा नहीं, ब्रेड्स रूल को वॉयलेट करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एस एन वन एस एन टू के कंपेरिजन की। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की भी बात करेंगे, कंटिन्यू करता हूँ मैं, पोजी प्लीज रब करिए, थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब ही है कि सबस्ट्रेट को छोड़ के लोग चले जाएंगे, और दो तरह का एलिमिनेशन होता है, वन वन एलिमिनेशन या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, या वन टू एलिमिनेशन जिसमें एडजेसेंट कार्बन से लोग छोड़ के जाते हैं, वन टू एलिमिनेशन को ही बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। वही दो टाइप का होता है, ई1 एंड ई2, एक होगा ई1 एक होगा ई2। अब आप समझ गए होंगे जो ई1 होगा ये है तो फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन दो स्टेप में होगा, जैसे SN1 था वैसे ये भी दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड सेकेंड स्टेप में फिर बाद में वो कार्बोकैटायन अगर रीअरेंज होना होगा तो हो जाएगा, और फाइनली जब रुक जाएगा रीअरेंज होके तो एडजेसेंट कार्बन से, जिस कार्बन पे प्लस है उसके एडजेसेंट कार्बन से फिर H+ निकलेगा, अगर मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा रहा हूँ तो। यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, इमीडिएटली जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे। जबकि E2 में क्या होगा, ये नाम तो E2 है, सेकेंड ऑर्डर का तो है, लेकिन होगा एक स्टेप में ही, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होता था। अगर आपको याद है एक अंडर डेवलप्ड एल्कीन या इंसिपिएंट एल्कीन या बेबी एल्कीन भी बोलते हैं, वो बनता है, और जितना वो स्टेबल होगा हमारा इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा रेट होगा E2 का, मतलब जो आखिर ट्रांजिशन स्टेट से ही प्रोडक्ट बनना है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा एल्कीन उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कौन, रेट ऑफ E2। अब एक एक करके मैं कंपेयर करता हूँ, देखिए काइनेटिक्स की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। रेट की बात करूं तो रेट लॉ में यहाँ के आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ बेस का कंसेंट्रेशन भी आएगा जो बेस अटैक करने वाला है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो कोई स्पेशल ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं है बताने लायक कुछ, जैसे E2 में होता है एंटी एलिमिनेशन होता है, E2 में एंटी पेरीप्लेनर होता है वो, एंटी पेरीप्लेनर यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे E1 में। यहाँ पे आपको मालूम है दो तरह के एल्कीन बनेंगे, अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाया है आपने तो सेटजेफ एल्कीन हॉफमैन एल्कीन दोनों बनते हैं, सब कहानी आपको पता है। कब कौन मेजर होता है, यूजुअली तो सेटजेफ एल्कीन मेजर होता है आपको मालूम है, कभी कभी हॉफमैन एल्कीन मेजर हो जाएगा, वो सब केस आपको याद आ रहा होगा। देन सबस्ट्रेट की बात करें अगर हम लोग, तो सबस्ट्रेट दोनों में ही चाहे E1 कराऊं चाहे E2 कराऊं वो 3 डिग्री का फेवर करेगा एलिमिनेशन को, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फर्क समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 3 डिग्री इसलिए क्योंकि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पे डिग्री अगर 3 रहेगी तो बनने वाले एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि अल्फा एच उसमें ज्यादा आ जाएगा। फिर बेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो बेस जो है, ठीक है, अगर मैं बेस स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, पर ठीक है यहाँ रेट इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ तो आ नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट होगा। जबकि जो E2 है उसमें जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, नीड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नीड्स स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि H+ को निकलवाना है उसके लिए कोई बेस ही चाहिए, बेस उसको बोलते हैं जो H+ को अपना लोन पेयर दे रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल टर्म कहीं भी यूज करना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट अच्छा खासा सॉल्वेंट होना चाहिए जो आयोनाइज कर दे,
गुड आयोनाइजिंग, ठीक है, पोलर होना चाहिए. जबकि E2 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पोलैरिटी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे. पोलैरिटी, पोलैरिटी नॉट इंपॉर्टेंट, पोलैरिटी नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लीविंग ग्रुप की बात करूं तो दोनों में ही लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए. देखिए एलिमिनेशन करवाएंगे, लीविंग ग्रुप को निकलना ही पड़ेगा, तो अच्छा ही लीविंग ग्रुप होना चाहिए. नीड्स गुड लीविंग ग्रुप, और यहां पे भी नीड्स गुड लीविंग ग्रुप. लास्ट रीअरेंजमेंट की बात करें तो चूंकि यहां कार्बोकैटायन बनता है क्लासिकल वाला, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल. रीअरेंजमेंट तो हमने वहां लिख ही दिया पहले से ही, तो रीअरेंजमेंट यहां पे पॉसिबल है, जबकि यहां रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल. तो ये मैंने आपको बताया एलिमिनेशन के बारे में, क्या डिफरेंस है E1 में E2 में. अब मैं आखिरी एक चीज बताऊंगा आपको कंपेयर करके E1 E2 SN1 SN2 को, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए काफी इजी हो जाएगा. वो जी प्लीज रब करिए. थैंक यू पोजी. नाउ लेट अस कंपेयर SN1, SN2, E1 एंड E2. आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें SN1 लगाना है, SN2 लगाना है, E1 लगाना है, E2 लगाना है, तो वो कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ. ये क्या है, देखिए एक तरफ सब्सट्रेट लिखा हुआ है, ये भी 1 डिग्री है, छोटू 1 डिग्री बोल लीजिए इसको, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये सब्सट्रेट हो गया. फिर ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे थोड़े वीक वाले न्यूक्लियोफाइल है, ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है. तो कब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. देखिए जो 1 डिग्री है, सबसे छोटू 1 डिग्री CH3L जिसको बोल रहा हूँ मैं, इसमें आप देखिए बीटा कार्बन ही नहीं है तो एलिमिनेशन तो करा ही नहीं पाएगा, तो इसमें E1 E2 तो सोच ही नहीं सकते. ये जब दिखेगा तो इसमें E1 E2 तो नहीं सोचना है, तो क्या करेंगे, तो ये करवाना चाहेगा SN2, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, ये बोलेगा SN2 करवाना है. न्यूक्लियोफाइल वीक हो, मॉडरेट हो, स्ट्रांग हो, SN2 ही करवाएगा. लेकिन जैसे ही अब बीटा कार्बन आ गया, बीटा कार्बन आ गया तो चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ये जो स्ट्रांग बेसिस होते हैं ना, ये एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, अल्कोहलिक KOH, NaNH2, ये RONA लिखा हुआ सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड है यहाँ पे आयन, तो इनमें से कोई भी रहे स्ट्रांग बेस है ये लोग, ये हमेशा E2 कराएंगे, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो. बस जो CH3L वाला ग्रुप है, छोटू 1 डिग्री जिसको बोल रहा हूँ, उसमें बस SN2 होगा क्योंकि वहाँ बीटा एलिमिनेशन हो नहीं सकता, बाकी में E2 ही कराएगा. ये E2 कराएगा, E3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है. कमिंग ऑन टू इधर, ये 1 डिग्री वाले जो है, अब 1 डिग्री भी क्या बोलेगा कि हमको SN2 कराना है. ध्यान रखिएगा, जब न्यूक्लियोफाइल मॉडरेट आएगा, ये वीक आएगा या मॉडरेट आएगा, दोनों केस में ये बोलेगा SN2 कराना है, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, कम लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड बोलना चाहिए, लीस्ट तो नहीं, लीस्ट इसके लिए यूज करना चाहिए, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बोलना चाहिए. ऐसे ही 3 डिग्री का खेल पूरा पूरा श्योर होता है. 3 डिग्री बोलते हैं मैं स्टेबल कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो मैं SN1 कराऊंगा, जब तक टेम्परेचर लो रहेगा तब तक वो SN1 करवाएगा. कब, अगर आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक रहा या मॉडरेट रहा, ये लो टेम्परेचर की बात है, और जैसे ही टेम्परेचर आपने हाई कर दिया तो फिर E1 हो जाएगा. टेम्परेचर अगर हाई कर दिया आपने तो इनमें E1 होता है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, यहां E1 होगा एट हाई टेम्परेचर. जबकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस अटैक कर रहा है तो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, वो E2 ही करवाएगा. वो थोड़ा टिपिकल ये है, 2 डिग्री, 2 डिग्री में सब होता है, SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, E1 भी होता है, E2 भी होता है, सब होता है. कब क्या होगा वो देखते हैं. अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये वीक वाले दिख रहे हैं तो लो टेम्परेचर में तो इनमें SN1 हो जाएगा, लो टेम्परेचर में इनमें SN1 हो जाएगा, और टेम्परेचर जैसे ही हाई करेंगे तो E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, ठीक है. और यहाँ पे मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल जब आएंगे तो ये SN2 करवाएगा, थोड़ा मॉडरेट हो गया तो SN2 करवाएगा, ये लो टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर वाली बात ही नहीं है, ये SN2 ही करवाएगा, ठीक है. जबकि अच्छा ये टेबल तो कंप्लीट हो गया, मैं ला कैसे रहा हूँ आंसर मैं आपको बताऊँ. अगर देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ इधर ना, तो वैसे वैसे डिग्री बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगा, तो SN1 बढ़ेगा. इसीलिए देख सकते हैं आप SN2 से धीरे धीरे हम लोग SN1 की तरफ आ रहे हैं. और साथ ही साथ जो बनने वाला एल्कीन होगा उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी एल्कीन की, तो वो एलिमिनेशन मतलब उसकी तरफ जाएगा, किस तरफ, E2 की तरफ. तो यहाँ E2 तो सब में दिख ही रहा है आपको, E2 का रेट भी बढ़ता है जैसे जैसे नीचे आएंगे, E1 का रेट भी बढ़ेगा. E1 का रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे, जैसे जैसे हम लोग डिग्री बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे SN2 का रेट घटता है, SN1 का रेट बढ़ जाएगा, E2 का रेट बढ़ जाएगा, E1 का रेट बढ़ जाएगा.
तो ये कंपैरिजन हो गया कब SN1 SN2 E1 E2 लगाना है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग एक्चुअली चैप्टर में स्टेप इन करेंगे, मतलब जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये सब। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे हेलो अरीन तक जाएंगे। कंटिन्यू करता हूँ, पोजी प्लीज रब करिए, थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल से कैसे एल्काइल हैलाइड को बनाया जाता है। आपको मालूम है कि अल्कोहल को अगर हम लोग PCl5 दे दें, PCl3 दे दें या SOCl2 दे दें, तो ये लोग अल्कोहल का OH हटाएंगे और अपना हैलोजन लगाएंगे। तो ये एक आसान तरीका तो है ही। अब इसी में देखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। PCl5 अपने हर रिएक्शन में वाई प्रोडक्ट POCl3 बनाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये करेगा क्या, सबसे पहले तो CH3CH2Cl ये बना लेगा जो हमको चाहिए था एल्काइल हैलाइड, और बाई प्रोडक्ट में बनेगा POCl3 एंड HCl, ठीक है। PCl3 से जब रिएक्शन करवाएंगे, PCl3 अपने रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट बनाता है H3PO3, और इस चक्कर में क्या होगा, अल्कोहल को 3 मोल लेना पड़ जाएगा। मैं यहाँ 3 मोल लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो ये CH3CH2Cl तो बनेगा, 3 मोल बनेगा, और अलग से H3PO3 बनेगा, ठीक है। मैंने मोल्स नहीं लिखे लेकिन बता दिया हूँ आपको, जब PCl3 लेते हैं तो अल्कोहल को 3 मोल लेना पड़ता है। देन PBr3 की बात करें, ये भी वही काम करेगा जो PCl3 ने किया, ठीक है। अच्छा, PBr3 की जगह कभी कभी आपको फॉस्फोरस एंड Br2 भी लिखा मिल सकता है रिएक्शन में एरो के ऊपर। तो ये बना लेगा CH3CH2Br, ठीक है, अलग से इसमें भी H3PO3 बन जाएगा, और Pi3 भी यही करेगा, CH3CH2I बना लेगा, यहां भी P+I2 भी हो सकता था, और H3PO3 बना लेगा। ये SOCl2 से जब रिएक्शन कराएंगे आप थायोनिल क्लोराइड से, इसका नाम है डार्जेंस प्रोसेस, अगर आपको याद आ रहा है, ये SNI है ना, SNI है ये, तो ये क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड तो बनाएगा, CH3CH2Cl तो बनाएगा ही, अलग से SO2 बनाएगा एंड HCl बनाएगा। याद रखिएगा, SOCl2 अपने रिएक्शन में SO2 बनाता है एंड HCl बनाएगा, ये SNI है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर है, ध्यान रखिएगा। वेर एज अगर यहीं पे मैं पिरिडीन का प्रेजेंस ले लूं तो ये SN2 हो जाएगा, SNI ना होकर SN2 हो जाएगा, बनेगा तो अभी भी CH3CH2Cl ही, पर मैकेनिज्म इसका अब SN2 हो जाएगा, ध्यान रखिए, यहाँ वॉल्डन इन्वर्जन होगा, जबकि SNI में रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन होता है, आपको मालूम है। यहाँ खैर कायरालिटी तो कहीं पे है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बात। नेक्स्ट अगर HCl और ZnCl2 ले लें, ये लुकास रिएजेंट है, आपको मालूम है, अगर आप HX लेते हैं और ZnCl2 लेते थे तो ये ग्रुप्स मेथड कहलाता था, एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका। इसी में HCl ले लेंगे तो लुकास रिएजेंट है, इसमें क्या होगा, जो 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा वो इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, रिएक्शन जब होता है ना अल्कोहल का लुकास रिएजेंट से तो टर्बिडिटी आती है, ठीक है, वाइट टर्बिडिटी। तो इसमें कार्बोकैटायन बनता है, स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री अल्कोहल से इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी, 2 डिग्री से 5 मिनट लगेगा टर्बिडिटी आने में, 3 डिग्री वाला टर्बिडिटी देता नहीं है, और वो भी देगा भी तो गर्म करने के बाद, एंड दैट टू आफ्टर 30 मिनट। ये POC का पार्ट है, वहां पढ़ते ही हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर अभी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है उसमें ये मैंने बना दिया, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट HBr और NaBr+H2SO4, ये Br लगाएगा, ये CH3CH2Br, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड बनाएगा, और यहाँ HI ले लिया अगर आप तो ये इथाइल आयोडाइड बना लेगा ये। तो ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड देखा, किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एल्कीन से कैसे कैसे एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। पोजी प्लीज रब करिए, थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, उसके भी कई तरीके हैं। देखिए, अगर आप, मैं यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में प्रोपीन ले लिया, वैसे अगर आपने इसको HBr दिया और परोक्साइड के प्रेजेंस में दिया, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराएगा, मीनिंग जो ये Br- है ये जाके इस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा CH2Br। जबकि अब अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसको 800 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, स्टेबल रेडिकल बनाएगा ये, यहाँ से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा ये, यहाँ से H हटेगा और CH2Br देन CH डबल बॉन्ड CH2, इस पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। ऐसे ही आप NBS ले लेंगे अगर CCl4 के साथ, तो ये भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, और
यहाँ पे ब्रोमीन लगा देगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देता हूं मैं CH2Br, ऊपर जैसे लिखा हूं वैसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ये। अब अगर HBr के साथ आपने एडिशन कराया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है CCl4, यहां मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे हम लोग। अब Br इसको मिलेगा जो लेस कार्बन वाला, मतलब लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको देंगे, मार्कोनिकोफ रूल लगा रहे हैं। तो ये बन जाएगा CH3CH BrCH3, ऐसे। अब देखिए इससे हमने 1-bromo-propane बनाया, इससे 2-bromo-propane बन रहा है। नेक्स्ट अगर HCl के साथ एडिशन कराएंगे तो अगेन Cl जो है इसी कार्बन से आके जुड़ेगा, तो ये बनने वाला है CH3CH Cl CH3, ठीक है, 2-chloro-propane बन जाएगा। HI के साथ 2-hydro-propane बन जाएगा यहां पे। और अगर इसको Br2CCl4 दे दिए, ये एंटी एडिशन कराता था याद करिए, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था यहां पे, ठीक है। और दोनों जगह एक एक ब्रोमीन आ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बॉन्ड तो एक टूट रहा है वैसे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बीच में आ रहा है, तो हम लोग दोनों ब्रोमीन को एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो परमिट करता है फ्री रोटेशन को, ठीक है। ये मैंने बताया कैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाते हैं एल्कीन से। आगे कुछ और मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, कुछ नेम रिएक्शन है, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन है, उनको हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है वो। और एक हम लोग बोरोडीन होन्सडिकर रिएक्शन भी देखेंगे, उससे भी एल्काइल हैलाइड बनते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा उससे। कंटिन्यू करता हूं मैं, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। एल्काइल हैलाइड बनाने का कुछ और भी मेथड आपको बताता हूं मैं, जिसमें एक बहुत फेमस मेथड है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, मीनिंग हम शुरू भी करेंगे एल्काइल हैलाइड से और एंड भी करेंगे एल्काइल हैलाइड पे, मतलब एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, बस दोनों में हैलोजन अलग अलग होगा, आपस में हैलोजन का एक्सचेंज करवा लेंगे। इसी में दो रिएक्शन देख रहे हैं, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन में एल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है और स्वार्ट्स में एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए एक है हमारे पास फिंकलस्टीन्स रिएक्शन, या फिंकलस्टीन्स मेथड भी बोल सकते हैं, फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, विल स्टार्ट विद एल्काइल हैलाइड, हैलोजन जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन रहेगा, और इसको हम लोग देंगे NaI, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, तो इससे बन जाएगा RI एल्काइल आयोडाइड, और अलग से NaCl या NaBr बनेगा। जो NaCl या NaBr बनता है वो PPT बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, एसीटोन में सॉल्यूबल नहीं है अच्छे से वो, तो प्रेसिपिटेट बनने की वजह से रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ ही जाएगा। नेक्स्ट इसी में आएगा एक स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे, अगेन हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, और इसको मेटल के फ्लोराइड दे देंगे, मतलब सिल्वर का फ्लोराइड ले लीजिए, या HG2F2 ले सकते हैं, या फिर TOF2 कोबाल्ट का फ्लोराइड ले सकते हैं, या फिर यहीं पे एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो होगा क्या, ये RF बना लेगा, यहाँ का हैलोजन हटेगा और ये फ्लोरीन आ जाएगा और एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड हो गया। एक तरीका और है जिसका नाम है बोरोडीन होन्सडिकर मेथड, बोरोडीन होन्सडिकर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे और उसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे, CCl4 सॉल्वेंट लेते हैं वहां पे, और एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा उससे, CO2 भी एलिमिनेट होगा, AgBr का प्रेसिपिटेट भी बनेगा। इसमें क्या करूंगा मैं, देखिएगा हम लोग, जैसे मैंने इसको लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराऊंगा, CCl4 सॉल्वेंट लेंगे हम लोग, तो ये CH3Br बन जाएगा, यहां से CO2 एलिमिनेट होगा, और ये Ag और एक Br, AgBr का PPT बना लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कैसे कैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड को बनाते हैं, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, एल्कीन से कैसे बनाते हैं, हैलाइड एक्सचेंज करके कैसे बनाते हैं, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से कैसे बनाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, एल्काइल हैलाइड ही अलग अलग लोगों से रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है वो हम लोग देखेंगे। पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लिया है, इसी को बार बार अलग अलग लोगों से रिएक्ट कराऊंगा और क्या क्या बनेगा आपको बताता हूँ। जैसे पहले हमने NaI लिया और एसीटोन, या आपने थोड़ी देर पहले ही देखा फिंकलस्टीन रिएक्शन था, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन था, तो ये इथाइल आयोडाइड बन जाएगा CH3CH2I। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये गिलमैन्स रिएजेंट है, तो कोरे हाउस सिंथेसिस हमने पढ़ा है,
तो ये C2H5- अटैक करेगा यहाँ Br को खिसका देगा और ब्यूटेन बना लेगा ऐसे, दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस। नेक्स्ट आपने अगर सिल्वर सॉल्ट ले लिया तो ये ईस्टर बना लेता है, ये यहाँ पे माइनस है ना, ओ माइनस, वो अटैक करेगा यहाँ और ऐसे ईस्टर बना लेगा CH3COOCH2CH3। जबकि आपने अगर एक्वस के OH या मॉइस्ट Ag2O दे दिया तो ये अल्कोहल बना लेता है, ध्यान रखिएगा CH3CH2OH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। जबकि अगर ड्राई ईथर लिए होते हम लोग तो उससे फिर ड्राई Ag2O लेते, मॉइस्ट Ag2O में वो अल्कोहल बनाएगा और ड्राई Ag2O अगर लेंगे तो ईथर बनाता है वो। नेक्स्ट KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे अगर आप तो ये साइनाइड बना देगा CH3CH2CN ऐसे। और अगर AgCN से रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनाएगा, ध्यान रखिएगा ये आयनिक कंपाउंड है KCN और ये कोवेलेंट है, ठीक है। डोनर एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनर एटम कार्बन है जो लोन पे डोनेट कर रहा है, तो ये आइसोसाइनाइड बनेगा CH3CH2NC। आपने KNO2 अगर दे दिया तो ये CH3CH2ONO ऐसे ही लिख लीजिए, या बॉन्ड के फॉर्म में भी बना सकते हैं ONO ऐसे, अल्काइल नाइट्राइट बना लेगा। जबकि AgNO2 लेंगे तो नाइट्रो एल्केन बनता है इससे, यहाँ पे भी ये आयनिक है और ये कोवेलेंट है, डोनर एटम अलग अलग है दोनों में, ये नाइट्रो एल्केन बनेगा। आपने अगर NaNO2 लिया और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF लिया आपने, तब भी ये CH3CH2NO2 नाइट्रो एल्केन ही बनेगा। अल्कोहलिक के OH डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाता है, बीटा एलिमिनेशन आपको मालूम है, तो ये इथीन बना देगा। और अगर आपने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद करिए, एल्काइल हैलाइड को अगर अपन सोडियम एल्कोक्साइड देते थे तो ROR ईथर बनता था, तो यहाँ जो R है और यहाँ जो R है सेम है, तो ये डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा। अलग अलग भी हो सकता था, यहाँ फॉर्चुनेटली सेम हो गया। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं अल्काइल हैलाइड के, कुछ और कंटिन्यू करता हूँ मैं, वो जी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी। कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करता हूँ अल्काइल हैलाइड का। अगर इसी का रिएक्शन हमने NaSH से करा दिया, अल्कोहलिक है ये, तो ये थायो अल्कोहल बना लेगा ये CH3CH2SH। जबकि आपने CH3SNA से रिएक्शन कराई है, एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ और Br को खिसका देगा और ये CH3CH2SCH3 ये बन जाएगा, थायो ईथर बन गया अगर आपको दिख रहा है तो। नेक्स्ट अमोनिया से रिएक्शन कराए अगर हम लोग तो ये प्राइमरी अमीन बन जाएगा CH3CH2NH2, दिस इज 1 degree अमीन। और अगर सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ये वूड्स रिएक्शन था, RR बनता था, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा अगर मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया है तो, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। वहीं एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड रखे हम लोग तो ये वूड्स फिटिक था, तो इससे ये बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे ही CH2CH3 लग जाएगा। नेक्स्ट अगर AlCl3 और बेंजीन से रिएक्शन कराइए, एक्चुअली बेंजीन में हम लोग फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी बेंजीन पे CH2CH3 ऐसे लग जाएगा। नेक्स्ट मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका था, RMgX याद करिए, ये RMg और हेलोजन इज ब्रोमीन, और इससे रिएक्शन कराया अगर आप सोडियम एसिटिलाइड से तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, Br को खिसका देगा और हायर अल्काइन बन जाएगा। हायर अल्काइन बनाने का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। सेम गोज विथ हियर, यहाँ भी सेम चलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ और ये भी हायर अल्काइन बना लेगा कुछ इस तरीके से। एक से हमने टर्मिनल अल्काइन बनाया, एक से इंटरनल अल्काइन बन गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है 1 degree और 2 degree अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है 3 degree को नहीं कर पाएगा। कौन इसकी बात कर रहे हैं, LiAlH4 की बात करें तो रिड्यूस करके इसको एल्केन बना देगा CH3CH3। वहीं पे अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए होते तो वो 2 degree और 3 degree का रिडक्शन कराता है अल्काइल हैलाइड का, 1 degree का नहीं कराता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि तीनों का हो जाए, ठीक है तीनों का ही रिडक्शन हो जाए, 1 degree का भी, 2 degree का भी, 3 degree का भी, तो फिर TPH लेना पड़ेगा, ट्राइफेनिल टिन हाइड्राइड लेना पड़ता है उस केस में। तो ये अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी था। तो इसके बाद हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे आगे कुछ और, जैसे ट्राई हेलो एल्केन हो गया जिसमें क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं, फिर इसी के बाद आ जाएगा CCl4, फिर फ्रियॉन्स की कहानी आएगी, फिर हेलो अरीन से ये टॉपिक जाके खत्म होगा। कंटिन्यू करता हूँ, पोजी प्लीज रब करिए। थैंक यू पोजी।
नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ ट्राई हेलो एल्केन और क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं. आइडोफॉर्म भी अपने आप में ट्राई हेलो एल्केन है. क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने से पहले और रिएक्शन देखने से पहले मैं उसके बारे में कुछ बात बताता हूँ आपको. क्लोरोफॉर्म को एज एन एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता था और यूज़ करने से पहले उसकी प्योरिटी टेस्ट करी जाती थी. उसको देखिए, जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट पीपीटी नहीं देगा, पर अगर वाइट पीपीटी मिल जा रहा है मतलब वो इम्प्योर है. और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो वो वेरी पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनाता है. ऐसा ना हो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल में भरा जाता है अप टू द ब्रिम, और उसमें 1% इथाइल अल्कोहल भी मिलाया जाता है. ये बात हो गई क्लोरोफॉर्म के बारे में. अब उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, कैसे कैसे क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको पता है, हेलोफॉर्म टेस्ट. उसी में अगर हेलोजन हम लोग क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा. और कौन कौन देता है हेलोफॉर्म आपको मालूम ही है. जितने भी मिथाइल कीटोन होते हैं वो दे देंगे, इथाइल अल्कोहल भी दे देगा, और भी कंपाउंड्स देते हैं पर अभी इनसे काम चल जाएगा. दिस इज हेलोफॉर्म टेस्ट. तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म. कैसे? Cl2+NaOH दिखेगा आपको एरो के ऊपर या NaOCl दिखेगा. नेक्स्ट, एसीटोन से भी हम लोग बना सकते हैं. अगर एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर दे दें तो वो भी क्लोरोफॉर्म बना के दे देता है. और अगर आप चाहें तो क्लोरल से शुरू कर सकते हैं और उसको NaOH देंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा. क्लोरल इज CCl3CHO, अलग से HCOONa सोडियम फॉर्मेट निकल जाएगा. CCl4 से शुरू करें, अगर आप उसको आयरन फिलिंग दीजिए, पानी के साथ हल्का गर्म करना पड़ता है, तो भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा. देन अगर हम चाहें मीथेन से भी बना सकते हैं उसका फोटोहेलोजिनेशन करा के, इससे भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा. ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया क्लोरोफॉर्म का. आप चाहें तो CCl4 का रिडक्शन करा के भी बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अब केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था. इसका ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो ये वेरी पॉइजनस गैस फॉस्जीन बना लेगा. ठीक है, ये ना हो इसीलिए 1% इथाइल अल्कोहल मिला के रखते हैं क्लोरोफॉर्म में. नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड की बात करें, अगर क्लोरोफॉर्म को HNO3 से रिएक्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज. इससे क्लोरोपिक्रिन बनता है, जो टीयर गैस होता है, लैक्रिमेटोर बोलते हैं उसको. ठीक है, क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2, दिस इज क्लोरोपिक्रिन. और क्या है ये? टीयर गैस है. ठीक है, टीयर गैस. नेक्स्ट, सिल्वर पाउडर से अगर क्लोरोफॉर्म को गर्म करते हैं तो ये एसिटिलीन बना लेगा. आइडोफॉर्म भी अगर लेते तब भी एसिटिलीन बन जाता. और ये है रिमर टीमर रिएक्शन. फिनॉल को अगर आप क्लोरोफॉर्म एंड NaOH देंगे तो सैलिसिलल्डिहाइड बन जाएगा. दिस इज रिमर टीमन रिएक्शन. नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म को अगर प्राइमरी अमीन देंगे, ये कार्बिल अमीन टेस्ट था या आइसोसाइनाइड टेस्ट था, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा. CH3NC, दिस इज कार्बिल अमीन टेस्ट. ये अपने आप में कार्बिल अमीन टेस्ट है. और लास्ट आपको दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग एसीटोन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के प्रेजेंस में. ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और क्लोरीटोन बनता है इससे, जो एक हिप्नोटिक होता है. वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये. ये बन जाएगा CCl3. ठीक से लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे OH CCl3 CH3 CH3. दिस इज क्लोरीटोन. ये क्या है? क्लोरीटोन एक हिप्नोटिक है. ये स्लीप इंड्यूसिंग को हिप्नोटिक बोलते हैं. इसी में मैं आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में भी बताया हूँ. टेट्राहेलोएल्केन अलग से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही बताया आपको. CCl4 जो है मीथेन से भी बना सकते हैं उसका फोटोहेलोजिनेशन करा के. उसका नाम पायरीन होता है, CCl4 का ट्रेड नेम है पायरीन. वो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो. और चाहेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड CS2 से भी बना सकते हैं उसको हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट करा के. और CCl4 एक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपको मालूम है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है. एक हेलमिंथीसाइड है, हुकवॉर्म्स को किल करने के काम भी आता है ये. CCl4 भी रिमर टीमर रिएक्शन शो करेगा, पर उसमें सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा. तो ये CCl4 के बारे में बात हुई, जो मैंने लिखा नहीं आपको बता दिया. नेक्स्ट हम लोग फ्रियॉन के बारे में बात करेंगे और फिर हेलोअरीन कंटिन्यू करेंगे और उससे टॉपिक ओवर हो जाएगा. वो जी प्लीज रब करिए. थैंक यू पोजी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्रियॉन्स. फ्रियॉन्स जो होते हैं ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं मीथेन या इथेन के. और इनको प्रोड्यूस इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लोग एरोसोल प्रोपेलेंट होते हैं, रेफ्रिजरेशन में काम आते हैं, एयर कंडीशनिंग पर्पस में काम आते हैं. लेकिन हाँ, इनसे ओजोन लेयर डिप्लीट होता है.
और इनका नाम कैसे रखते हैं ये सब मैं आपको बताता हूं। देखिए द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, द क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स कंपाउंड, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड फ्रियॉन्स, आर कॉल्ड फ्रियॉन्स। और इनको प्रोड्यूस क्यों किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ एरोसोल प्रोपेलेंट, दे आर प्रोड्यूस्ड ठीक है, फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में भी काम आता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूजेस तो है इतना, पर इससे ओजोन लेयर भी डिप्लीट होता है। एक्सेस यूज रिजल्ट्स इन ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। अब इनका नाम कैसे रखते हैं वो समझते हैं, फ्रियॉन नोमेनक्लेचर। देखिए क्या तरीका है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल यहां भी बता सकता था आपको, जैसे CF2Cl2 है, C2F2Cl4 है, इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो फ्रियॉन कहलाते हैं, और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है यहां पे। तो इनका नाम कैसे रखा जाता है, मैं एक काम करता हूं, जो मैंने पहले लिखा है CF2Cl2 इसका नाम बताता हूं आपको, ठीक है। इनका नाम इस तरीके से रखा जाता है, सबसे पहले फ्रियॉन, फिर तीन नंबर रहेगा, CbA से मैंने डिनोट किया है। सी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, जितने कार्बन है -1 कर दीजिए। बी है जितने हाइड्रोजन है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। और ए है नंबर ऑफ फ्लोरीन, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो यहां पे देखिए इसका नाम हो जाएगा फ्रियॉन, नंबर ऑफ कार्बन -1, कार्बन एक है, 1 -1 = 0, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन है नहीं तो 0 + 1 = 1, एंड नंबर ऑफ फ्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो फ्रियॉन 1-2 या फ्रियॉन 0-1-2 इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रियॉन्स का नाम रखा जाता है। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, तो जी प्लीज रब करिए, थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ हेलो अरीन या एराइल हैलाइड। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, बेंजीन से बनाएंगे हम लोग। अगर आप बेंजीन को हेलोजन दे देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड तो हेलोअरीन बन जाएगा, बस हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए। देखिए अगर आपने क्लोरीन के साथ FeCl3 लिया, ये क्लोरोबेंजीन बना के दे देगा। ऐसे ही अगर ब्रोमीन के साथ FeBr3 लिए, ये ब्रोमोबेंजीन बना के दे देगा। यहां देखिए तीन स्टेप हम लोग करवाए हैं एक के बाद एक। सबसे पहले नाइट्रेशन हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है दोनों, तो ये नाइट्रोबेंजीन बनेगा। उसका रिडक्शन कराए हैं तो एनिलीन बनेगा, उसका डाइएजोटाइजेशन हुआ है तो उससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, BDC जिसको बोल रहे हैं, ये मैं बना रहा हूँ BDC, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आगे फिर हम लोग ये जितने भी रिएक्शन दिख रहे हैं इनमें BDC क्या करेगा, N2 को रिलीज करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा N2 का। अगर आप एक्वस KI से रिएक्ट कराएंगे तो ये आइडोबेंजीन बना देगा, ये बना देगा आइडोबेंजीन। ऐसे ही अगर आप HBF4 से रिएक्ट कराएंगे, अगर इसका नाम है बाल शीमेन रिएक्शन, ये फ्लोरोबेंजीन बना देगा, फ्लोरोबेंजीन। और अगर आपने CuCl/HCl लिया जो सैंडमेयर रिएक्शन है, या Cu/HCl जो गेटरमैन रिएक्शन है, तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। और अगर आपने CuBr/HBr लिया, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, और Cu/HBr इज गेटरमैन रिएक्शन, तो ये ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग हेलोअरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे केमिकल रिएक्शन देखेंगे इनके, पोजी प्लीज रब करिए, थैंक यू पोजी। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे क्लोरोबेंजीन लिया है, एक एक करके सारे रिएक्शन बताता हूं। इस बीच आपको मालूम है कि जब क्लोरोबेंजीन का हम लोग ESR कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो या पैरा पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ रिएक्शन यहाँ पे ESR के भी हैं। जैसे पहला रिएक्शन आपको दिखेगा, क्लोरीन से रिएक्शन कराए हैं FeCl3 के साथ, तो ये क्लोरोनियम आयन बनेगा यहाँ पे Cl+, और ESR होगा, ऑर्थो और पैरा पे आके जुड़ जाएगा। इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा,
और एक ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे जब इसी को ब्रोमोबेंजीन से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई इथर, ये फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन में इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको मालूम है दोनों एराइल पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट CH3Br, ये अल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड, और सोडियम इन ड्राई इथर, याद करें ये वुड्स फिटिग है, ठीक है, ये टॉलवीन बना देगा, ये टॉलवीन बना देगा। दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यही, अच्छा ये फिटिक था, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, दिस वॉज फिटिक। नेक्स्ट इज सोडामाइड से रिएक्शन करा रहे हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, ये बेंजाइन मैकेनिज्म से ऑपरेट होगा और इसमें एनिलीन बन जाएगा, इसमें यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने NaOH दिया इसको 623 केल्विन में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिखा, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, और एसिडिफिकेशन बाद में करा देंगे, तो इससे हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है, इसी से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से। ऐसे रिएक्शन होता नहीं, आपको मालूम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिए हैं हम लोग, तब जाके रिएक्शन होगा। बाकी यहाँ पे देखिए, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेशन है, अगेन ऑर्थो और पैरा पे NO2 आके जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा और एक बार ऑर्थो पे, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा देख रहे हैं हम लोग, ये इस तरीके से। नेक्स्ट आपको दिखेगा CH3ClAlCl3, ये एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इसमें ऑर्थो और पैरा पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, क्लोरीन के ही एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एसाइलेशन करा रहे हैं, CH3COCl लेंगे तो COCH3 जो है ग्रुप वो आके जुड़ जाएगा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा ये और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, ऐसे CO CH3। नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्लोरल के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए, बहुत फेमस रिएक्शन है, DDT का प्रिपरेशन होगा यहाँ पे, ऐसे बनेगा, देखिए CCl3CH और ये इस तरीके से बेंजीन रिंग और यहाँ Cl, वाटर यहाँ पे निकला है, डिहाइड्रेशन हुआ, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लिए है, ये DDT पे कहलाता है ये। नेक्स्ट निकल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं NaOH, ये बेंजीन बना देगा, ये यहाँ पे बेंजीन बना देगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप जानते हैं ये सल्फोनेशन है, ये तो ये ऑर्थो और पैरा पे SO3H को लगा देगा, इसी क्लोरो बेंजीन के पैरा पे एक बार SO3H आएगा और एक बार ऑर्थो पे आएगा। लास्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं, ये उलमैन रिएक्शन होता है, ये भी दोनों फेनिल पार्ट को आपस में जोड़ देगा, ठीक है, डाई फेनिल बाई फेनिल बोलते हैं, वो बना लेगा ऐसे, ये इस तरीके से बन जाएगा, दिस इज उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन। तो ये मैंने आपको हेलो अरीन का केमिकल प्रॉपर्टी बताया है, तो इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं पूरा का पूरा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन पार्ट को, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, आगे दोबारा किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय।